हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल पीडी। तो आज का टॉपिक है आपको जो मोबाइल में, ठीक है, वो मोबाइल का जो हॉटस्पॉट का वाईफाई का जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो पे बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो साइड में बेल आइकन है उसी को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वाईफाई में क्लिक करना होगा, ठीक है। वाईफाई में क्लिक करने के बाद आपको ये साइड में एक क्या है एरो का, जैसे यहाँ में क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ में ये जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस जो है ये सब सेम होगा, ठीक है। लास्ट का जो 148 है, ठीक है, 148 को आपको याद रखना है, वो .43 है ना। तो आपको यहाँ में ये गेटवे है ना, गेटवे में क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका जो नंबर है, ठीक है, वो अभी आईपी एड्रेस के मैंने दिखाया जब 148 यहाँ में है 1, ठीक है। तो ये 148 यहाँ में 148 वो दोनों सेम होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सेम होने से जो आईपी एड्रेस सेम हो जाएगा और गेटवे के साथ, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 148 आपका जो भी होने से क्या कर, आप रिमूव कर देना, आपको 1 to 254 तक आप दे सकते हैं, ठीक है। कितना नंबर देगा आपका मर्जी है, ठीक है, एक नंबर देगा या दो नंबर देगा या तीन नंबर देगा, ठीक है। आपको ये नंबर चेंज करने से जो आपका जो काम है वो 100% यहाँ में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये सेटिंग सब भी देख लीजिए, ठीक है, DNS 1 ये सब तो सेम होता है, ठीक है, DNS 2 ये सब भी सेटिंग देख लीजिए मेरा कैसा है, ऐसे करके आप सेट कर लेना। इसके बाद में जो आपको प्रॉब्लम जो है वो यहाँ में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर देना है, रिस्टार्ट करने के बाद आप चलाइए तो आपका काम जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।